सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में 10 लाख भारतीयों के लिए संकट आ गया है। जी हां, अमेरिकी हमले में ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन से हमले से हुई हत्या के बाद दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सांसद समेत दुनिया भर के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि मेजर जनरल सुलेमानी की हत्या करके अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी है, जो सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों के लिए चिंतित हैं, इसलिए ईरान द्वारा इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में भारतीयों को इराक की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने इराक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों को सलाह दी है कि अगली अधिसूचना तक इराक की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। इराक में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, बगदाद में हमारे दूतावास और इरबिल में वाणिज्य दूतावास इराक में बसे भारतीयों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। हालांकि इराक में अब तक कहीं भी भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि ईरान में 4,273 भारतीय रहते हैं, वहीं इराक में लगभग 25,000 भारतीय काम कर रहे हैं। कुर्दिस्तान के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी एरबिल में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है, जिनमें से कई व्यापारी हैं। आपको बता दें कि तनाव के बढ़ने के बाद से ईरान इराक के अलावा मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 30 वर्ष पूर्व भी मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों पर अचानक यूं ही संकट आन पड़ा था, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई के कारण वहां भारतीय असुरक्षित हो गए थे। तब भारत ने वहां रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। उस समय एयर इंडिया के विमानों ने 58 दिनों तक लगातार 488 उड़ानें भरकर करीब 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित किया था। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव के बाद एक बार फिर से यही हालत भारत सरकार और भारतीयों के सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर इस पूरी घटना का फर्क भारतीयों के ऊपर कितना पड़ता है। आप बन रहिए हमारे साथ।